नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्ड के बारे में। तो बने रहिए, वीडियो में शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2019 को सैमसंग ने लॉन्च किया है फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी फोल्ड। गैलेक्सी फोल्ड में आपको दो डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक मेन डिस्प्ले और एक कवर डिस्प्ले। मेन डिस्प्ले का साइज होगा 7.3 इंचेस, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 4:2:3। मेन डिस्प्ले डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है और कवर डिस्प्ले 4.6 इंचेस HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 21:9। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो गैलेक्सी फोल्ड में 4380 मिली एम्पेयर का बैटरी देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ। मेमोरी की बात करें तो गैलेक्सी फोल्ड में 12GB का रैम और 512GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, लेकिन गैलेक्सी फोल्ड में कोई भी माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गैलेक्सी फोल्ड में एंड्रॉयड 9 यानी कि एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो गैलेक्सी फोल्ड में कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है अभी तक, लेकिन सिर्फ एक हिंट दिया गया है, 7nm 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलने वाला है। एट प्रेजेंट मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनी का प्रोसेसर है 7nm आर्किटेक्चर बेस्ड। पहला है हुआवे का किरिन 980 और दूसरा है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855। सैमसंग का लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर एक्सिनोस 9820 वो भी 8nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि एक्सिनोस 9820 यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, या तो एक्सिनोस 9830 आ सकता है, नहीं तो 90% चांसेस है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर ही यूज़ किया जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन में। गैलेक्सी फोल्ड में टोटल 6 कैमरा देखने को मिलेगा, एक कवर कैमरा जो 10 मेगापिक्सल का होगा सेल्फी कैमरा, दो फ्रंट कैमरा यानी कि डुअल फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का, ट्रिपल रेयर कैमरा, 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा और 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है $1,980, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीबन 140,629.50 रुपये होने वाला है। अब देखते हैं जब इंडिया में अवेलेबल होगा तो क्या प्राइस रखा जाता है गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन का। आपको क्या लगता है कितना प्राइस होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।